कश्मीर के हालात पर गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा है कि कश्मीर की स्थिति वैसी नहीं जैसी दिखाई और बताई जा रही है। उनके मुताबिक सिर्फ 5% लोग ही कश्मीर के हालात खराब कर रहे हैं। कश्मीर के हालात पर गृह सचिव राजीव महर्षि से जी मीडिया के रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र ने बातचीत की। कहा गया है कि कश्मीर का प्रॉब्लम जो केवल 2.5 जिलों का प्रॉब्लम है, क्या क्वांटम के बारे में आपका कोई असेसमेंट, प्रॉब्लम कितना बड़ा है? प्रॉब्लम बेसिकली साउथ कश्मीर का है, 2.5 जिला 3 जिला जो भी कहें, 2 जिला बेसिकली साउथ कश्मीर में ज़्यादा इस वक्त अनरेस्ट है और वो, लेकिन फिर भी अपन एक प्रजातंत्र हैं। अगर 2 या 3 जिले छोड़िए 2 या 3 तहसील भी हों और अनरेस्ट हो तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको ठीक करने का प्रयास तो खैर सरकार का रहता है। रिसेंटली हैड बीन टू श्रीनगर, यू मेट द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, टॉप आर्मी ऑफिशियल्स, व्हाट इज योर असेसमेंट आफ्टर ऑल दीज डेलिब्रेशंस, क्या लगता? नहीं, एक तो बेसिकली ये बात तो तय है कि जो जितनी समस्याएं यहाँ बताई जा रही है मीडिया द्वारा, उतनी बड़ी शायद समस्या नहीं है, कंट्रोलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मीडिया ने बहुत हाइप किया कि स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे हैं, उस कश्मीर में 50,000 स्कूल चलते हैं, अगर 2 या 3 स्कूल में डिस्टर्बेंस हो, किसी और स्टेट में होता तो रिपोर्ट भी नहीं होता शायद। वहाँ पत्थरबाजी घटनाएँ आम बात हैं, एक पत्थर फेंकने वाले युवक को आर्मी की जीप पे बांध के घुमाया गया, आज आर्मी चीफ का बयान है कि बिल्कुल सही था, उसको अवार्ड किया मेजर को। तो इस पे मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि आर्मी का एक्शन था और आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आ चुका है। मिलिटेंट्स ने एक लेफ्टिनेंट को मार दिया था, शादी में छुट्टी में आया हुआ था, वो 23 साल का था, आप लोग गए थे रिसेंटली? हाँ, इंसिडेंट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी यंग ऑफिसर, यंग मैन, 22 साल की उनकी उम्र थी। अगर वो आर्मी में रहते तो शायद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होते। तो ये जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ और यही दिखाता है कि जो टेररिज्म है, जो लोग वहाँ पर इस तरह की बरगलाने की बात करते हैं, वो कितने वास्तव में बर्बरतापूर्ण जो है भाव रखते हैं। ये आपने कहा कि टेरर को फाइनेंस करने में दिक्कत आ रही है नोटबंदी के बाद, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है माओइस्ट के लिए, टेररिस्ट के लिए? निश्चित ही, जिस आदमी के पास भी गलत पैसा था, जिस आदमी के पास भी अनअकाउंटेड मनी था और जो एक्सटॉर्शन माओइज्म के नाम से करते हैं या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के नाम से करते हैं, वो पैसा तो अनअकाउंटेड है, टैक्स पेड नहीं है, तो वो जब बंद हुआ तो डेफिनेटली उन पर इम्पैक्ट आया क्योंकि उसको बदलने का उनके पास कोई तरीका भी नहीं था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नोटबंदी से काफ़ी सेटबैक जो है वो इलीगल ग्रुप्स को, क्रिमिनल्स को, एक्सटॉर्शनिस्ट को हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है।